उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी प्राइमरी और जूनियर की शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट की बैच का आगाज कल से संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया, जिसके माध्यम से बैचेस की पूरी रूपरेखा, बैच में जुड़ने का प्रोसीजर, डेमो क्लासेस का कॉन्सेप्ट, रेगुलर क्लासेस का स्वरूप, इन सारी बातों को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो आपको कल की क्लास में कल के दिन प्रोवाइड किया गया है। उसी कड़ी में आज से डेमो कक्षाओं का आगाज शुरू हुआ है। डेमो कक्षाएं आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा, अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको आप 2 से 4 दिन तक प्रॉपर कंसीडर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा है जो कि सपनों को सच कर देगी। अगर आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं और आपने निर्धारित कर लिया है कि हमको शिक्षक बनना है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी या जूनियर लेवल पर, तो आपके सामने एक सुराहा मौका है, आप इस परीक्षा को पास करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज की डेट से हम लोग यहां पर डेमो कक्षाओं की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मैं मैथ विषय के साथ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट आलोक में स्वागत करता हूं, और ये मानकर चल रहा हूं कि हमने जैसे इतने दिनों तक आपके साथ न्याय किया है, हमने जितने दिनों तक आपके साथ इस पैटर्न को जो हम लोग यहां पर पढ़ाने के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग उसी तरह से उसी बे में अंजाम देंगे। हमने 2018 का, 2019 का, 2020 का बैच भी संचालित कराया। आप में से बहुत सारे लोगों ने हम पर भरोसा दिखाकर संस्थान में अपने एनरोलमेंट को किया, और आप सभी लोग हमसे जुड़े और सही स्वरूप को आपने समझा। उसी कड़ी में एक नई बैच, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग प्रेरित कर रहे थे हमको कि हम संस्थान के द्वारा फिर से एक मतलब नई बैच से जुड़ना चाहते हैं, और उसी की कड़ी में आपके इन तमाम संदेशों के माध्यम से ही, तमाम संदेशों से प्रेरित होकर के ही हमने इस नई बैच का आगाज किया है। आज से मैं मैथ विषय की स्टार्टिंग करने चल रहा हूं। आप डेमो कक्षाएं 2 से 3 दिन तक प्रॉपरली देख सकते हैं, बैच में भी जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने का प्रोसीजर आपको नीचे दी जा रही नंबर लाइंस, जो आपको नंबर पट्टी दी गई है, वहां पर आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या तो जो डेमो वीडियो गया है, स्टार्टिंग का वीडियो गया है, वहां से आप सारी रूपरेखा को, सारे प्रोसीजर को समझ सकते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैथ की टेक्निकलिटी के बारे में, मैथ की पूरी रूपरेखा के बारे में आपको अवगत कराता हूं और समझाता हूं कि किस प्रकार से हम लोग मैथ को प्रिपेयर कर सकते हैं सुपर टेट की परीक्षा के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम लोग बात करते हैं गणित की, मैथ की, तो मैथ, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 150 प्रश्नों में मैथ के वो 20 निर्णायक प्रश्न, जो 20 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे, वो लगभग आपकी परीक्षा के स्वरूप को निर्धारित करेंगे, आपके क्वालिफाई होने की स्थिति को दर्शाएंगे, क्योंकि ये 20 प्रश्न बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं। और इन 20 प्रश्नों की टेक्निकलिटी को अगर हम लोग सही तरह से क्रैप्स कर लें, सही तरह से सीख लें, सही तरह से हैंडल कर लें, तो वास्तव में हम परीक्षा में पास होने के कगार पर होते हैं। तो आपको मैं इन 20 प्रश्नों की रूपरेखा, जो कि सिलेबस में दिया गया है, जो पाठ्यक्रम की टेक्निकलिटी जो है, उन सबको लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मैथ विषय के साथ आपको लगातार अपनी सेवाएं देता रहा हूं। आप देख रहे हैं 2 से 3 सालों के अंदर आप में से बहुत सारे लोग हमसे पढ़े हैं, जो कि मैथ को सीखे हैं मेरे से। हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा हो, किसी ने कुछ कम सीखा हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना जो भी मेरे पास था एफर्ट, मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इन 20 प्रश्नों के लिए मैं फिर से उसी जद्दोजहद के साथ, उसी एफर्ट के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगने जा रहा हूं। आपकी यहां पर अब जरूरत है, आपके डेडिकेशन की जरूरत है, आपके प्लानिंग की जरूरत है। आपको भी अपने उसी क्षमता के साथ, अपनी उसी डेडिकेशन के साथ, जो एक पाने की ललक होती है, उसके साथ आपको जुड़ना है और सही तरह से इन प्रिपरेशन को, इस तैयारी को सही रूप में अंजाम देना है। मैं इन 20 प्रश्नों को तैयार कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। एक कमिटमेंट रहा हमारा, ये वादा रहा है, इस पूरे 2 से 3 महीने का जो सेशन आपको 90 दिन का प्रोवाइड किया जाएगा, इस दौरान मैं पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले आज के सेशन की शुरुआत पाठ्यक्रम को समझाने से लेकर करूंगा, उसकी टेक्निकलिटी के बारे में बताऊंगा, देन आफ्टर हम लोग यहां पर आज इसके एक सही अप्रोच को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि थंबनेल पे आपको दिया जा चुका है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पाठ्यक्रम से। अगर हम बात करते हैं सुपर टेट के पाठ्यक्रम की, तो सुपर टेट के पाठ्यक्रम को अगर आप अलग अलग रिसोर्सेस से, इंटरनेट से, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाता है, उन माध्यम से अगर देखेंगे, तो अलग अलग शब्दों के हिसाब से चीजों को कंफ्यूज किया गया है। एक बहुत बड़ी परीक्षा है, इसकी टेक्निकलिटी को समझना बहुत टफ है। यहां पर शब्दों का चयन ही आपके पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। यहां कोई भी टीचर्स आपको यह कह करके बस सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं है, लेकिन अगर जब आप पेपर उठा के देखते हैं तो सारे प्रश्न नजर आते हैं। इसलिए इतने सारे इन गूढ़ रहस्यों को, जो कि यहां पर वास्तव में जिनके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है, हम पाठ्यक्रम को देख करके अपने आप को श्योर कर लेते हैं कि फला चीज नहीं आएगी या फला चीज आएगी, उसी सारी बातों को सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक एक शब्द के अंदर बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं, आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा। शुरुआत हम करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आंकिक क्षमता। अब आंकिक क्षमता को अगर थोड़ा बहुत किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है,
तो निर्धारित कर सकता है कि आंकिक क्षमता एक्चुअली क्या है। कहने का अर्थ है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, हमारे पास नंबर को कैलकुलेट करने की पावर हो। अब अगर हम नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गणित अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी गणित, कोई भी मैथ अगर हम पढ़ेंगे, तो गणित का उद्देश्य ही समस्याओं को हल करना होता है, मतलब कैलकुलेट करना होता है। और कैलकुलेशंस के लिए अगर देखा जाए तो दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक अंकों की, अंक मतलब नंबर्स की, और दूसरा ऑपरेटर्स अर्थात चिन्हों की। अगर हम बात केवल अंकों की करें तो अंक के भी अलग अलग अप्रोच होते हैं, लेकिन अगर सोचा गया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, तो अंकों के तीन रूप को ही आपने वास्तविकता में फेस किया होगा। एक तो पूर्णांक संख्याओं को आपने फेस किया होगा, भिन्न संख्याओं को आपने फेस किया होगा, और दशमलव संख्याओं को आपने फेस किया होगा। जब आप कैलकुलेशन करते होंगे तो आपको याद होगा कि जो हमारे पास जोड़ घटाव गुणे भाग की स्थिति, अलग अलग ऑपरेटर्स जो चिन्ह के माध्यम से आपको मिलते हैं, जोड़ घटाव गुणे भाग परसेंटेज रेशियो बराबर, ये सब जो चिन्ह है जो कि मैथमेटिक्स के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, अंकों को आपस में ज्वाइन कराते हैं, उन अंकों के अलग अलग स्वरूप की अगर बात की जाए तो आपको कभी पूरे पूर्णांक के ही क्वेश्चंस मिले होंगे, कभी दशमलव का प्रयोग कराया गया होगा, कभी भिन्नों का प्रयोग कराया गया होगा। इन सभी का अप्रोच, इन सभी का उपयोग, इन सभी का कॉम्बिनेशन यहां पर आंकिक क्षमता के अंतर्गत दिया गया है। आंकिक क्षमता के अंतर्गत आपके पास वो पावर हो कि आप इन नंबर को, इन जितने भी ऑपरेटर्स बन सकते हैं, उन सभी के द्वारा ट्रेस कर सके। आपके पास जोड़ घटाव गुणे भाग की स्थिति हो, पता हो, आपकी जानकारी हो, जोड़ घटाव गुणे भाग केवल पूर्णांक के लिए नहीं, दशमलव के लिए भी जानकारी हो आपके पास, भिन्न के लिए भी हो, आप अगर जोड़ घटाव गुणे भाग कर सकते हैं अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग क्रिटिकलिटी में, तो आपको वर्ग करने की स्थिति पता हो, वर्गमूल निकालने की स्थिति पता हो, घन करने की स्थिति पता हो, घनमूल निकालने की स्थिति पता हो, इन सभी का प्रयोग करके आप एक कंबाइन समीकरण, जो कि सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है, उसके भी जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब की भी जानकारी आपके जहन में होनी चाहिए। मतलब केवल आंकिक क्षमता कहकर के वो बच गया है, लेकिन अगर पूरी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो पूरी मैथमेटिक्स ही आंकिक क्षमता का भाग है। एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण मैथमेटिक्स में आंकिक क्षमता अप्लाइड होती है। अब आंकिक क्षमता को हम किनारे कर दें तो हम कह दें कि कुछ भी पार्ट्स अगर आप मैथ का मुझे देते हैं, उन सारे पार्ट्स को हम आंकिक क्षमता के अंदर ही लाएंगे। एक टॉपिक होता है इंजीनियरिंग में जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर सोचा गया तो वही सेम टू सेम यहां पर आंकिक क्षमता के अंदर चला गया। आप न्यूमेरिकल का विश्लेषण करते हैं, कैलकुलेशन की तार्किकता को समझते हैं, उस तार्किकता को ही यहां पर क्षमता के आधार पर जोड़ा गया है। तो मतलब पूरी गणित में जितने भी कैलकुलेशंस हो सकते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशंस यहां पर आंकिक क्षमता के अंदर दर्शाए गए हैं। मैं अपनी क्लास के माध्यम से कुछ 10-15 सेशंस लेकर के आंकिक क्षमता को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं एक सकारात्मक वे में आपको प्रोवाइड करूंगा। अब जैसे एक शब्द लिखा है मैथमेटिकल संक्रियाएं, अब संक्रियाओं का मतलब भी अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन को ही फोकस करता है। जैसे कैलकुलेशन के अंतर्गत मैं जिन संख्याओं की बात कर रहा था, डेसिमल्स की बात कर रहा था, फ्रैक्शंस की बात कर रहा था, यहां पर एक शब्द नया फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपने सुना होगा, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करें होंगे तो वहां पर भी मैंने इस चीज को पढ़ाया है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के आधार पर आप भिन्नों का प्रयोग करिए, दशमलव का प्रयोग करिए, इन सभी का यूज करके जितनी भी अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं, जैसे इन सबको अगर देखा जाए तो यह सबका स्वरूप एक ही है। मतलब इनके पूरे इनके पूरे पार्ट्स के अंदर केवल कैलकुलेशन को ही इन्वॉल्व किया गया है। तो कैलकुलेशन की जितनी टेक्निकलिटी हो सकती है वो आपको इस पूरे सेशन में इन पूरे परिदृश्य को, इन दोनों, इन पूरे स्वरूप को पढ़ने के दौरान यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। मैं उसको अलग अलग मीडियम से आपको प्रोवाइड करूंगा, इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे मैं जब बढ़ूंगा तो आपके सिलेबस में केवल परसेंटेज लिखा है, प्रतिशत लिखा है, ना तो लाभ हानि लिखा है, ना छूट लिखा है, हाँ ब्याज जरूर लिखा है, लेकिन चीजों को कितना कंफ्यूज किया है। अब परसेंटेज अगर आप समझते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत अंकगणित का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप परसेंटेज पढ़कर के कई सारे चैप्टर्स क्लियर कर देते हैं, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन किए तो आपको पता होगा परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों में देखें तो परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन अर्थात उसके अनुप्रयोग जो होंगे वो लाभ हानि छूट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सभी में होते हैं। परसेंटेज खुद भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है, खुद भी एक प्रकार का अप्रोच है, जिसके माध्यम से उसके अलग अलग पार्ट, जैसे उसमें अगर हम आय व्यय के प्रश्न ले लें, चुनाव के प्रश्न ले लें, परीक्षा के प्रश्न ले लें, जनसंख्या के प्रश्न ले, मिश्रण के प्रश्न ले, सामान्य प्रकार के कैलकुलेशन से सरलीकरण का उपयोग उससे कराएं, पूरे प्रतिशत को अच्छी तरह से हम सीखें, जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्रकार की तुलना करना। हम 100 से अगर किसी मान को तुलना में लाते हैं तो वही परसेंटेज कहलाता है। उस परसेंटेज के अंतर्गत आप किसी संख्या को बढ़ाएं घटाएं, तुलना करें दो संख्याओं को, दो मानों को आपस में परसेंटेज के लिहाज से, तो पूरे प्रतिशत का सही अप्रोच,
केवल परसेंटेज लिख देने से नहीं क्लियर होगा, उसके अंतर्गत जो मुख्य पार्ट उसके हैं, जैसे जब हम किसी एक संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं तो बढ़ाना मतलब वृद्धि होता है, घटाना मतलब कमी करना होता है। तो वहीं बढ़ाना मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब लाभ। अगर किसी चीज को आपको कोई बढ़ा के प्रोवाइड कर रहा है कोई धनराशि देने के बाद, तो वहां से आपको लाभ हो रहा है। अगर दुकानदार जैसे जो खरीद मूल्य होता है उससे बढ़ाकर किसी वस्तु को बेचे तो लाभ हो, घटाकर बेचा तो हानि हुआ। तो वही वृद्धि लाभ हो जाता है, वही कमी हानि हो जाती है। उसी लाभ हानि के अप्रोच को कभी सतत रूप से मतलब कंटिन्यूड रूप से, या कभी सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा जाता है। अर्थात लाभ हानि और छूट जो चैप्टर है, छूट भी तो एक प्रकार की कमी है, वह पूरी तरह से परसेंटेज पर निर्भर कर रही है, परसेंटेज की एप्लीकेशन पर ही डिपेंडेंट है। अब केवल आपके पाठ्यक्रम में लिखा है ब्याज, ब्याज कहने से केवल हम क्या ये निर्धारित कर देंगे कि साधारण होगा या चक्रवृद्धि, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं करा जा सकता है। इसलिए मैंने निर्धारित किया कि ब्याज का मतलब दोनों स्वरूप, साधारण भी और चक्रवृद्धि भी। हालांकि ब्याज का मतलब भी एक प्रकार से अगर सोचा गया तो वृद्धि ही होती है, मतलब इंक्रीमेंट ही होता है। अब वह इंक्रीमेंट अगर नॉर्मल है, प्रत्येक वर्ष समान है, तो वह साधारण है। अगर वह कंटिन्यूड है मतलब ब्याज पर ब्याज है, तो वही चक्रवृद्धि है, अर्थात वह कंपाउंड है, जो कि हम अपने सिलेबस के दौरान, अपने पाठ्यक्रम के दौरान जब हम कोर्स की आपकी स्टार्टिंग करेंगे तो उस दौरान आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे। और जो लोग पढ़े इस बात को जानते हैं कि इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर सिस्टमेटिक वे से लेकर चलते हैं। पाठ्यक्रम के कुछ अन्य हिस्से जो कि बड़े ही डिस्टर्ब वे में इधर उधर करके रखे गए, जैसे डिविजिबिलिटी। अगर आप डिविजिबिलिटी की बात करें, जिसको विभाज्यता का नियम कहते हैं, विभाज्यता की बात अगर करो, तो मैंने अपने जितने भी सिलेबस, जितने भी पाठ्यक्रम आपके लिए आपको प्रोवाइड किए इस मीडियम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उन सभी में मैंने डिविजिबिलिटी को नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रखा है। अर्थात अगर सोचिए तो आंकिक क्षमता के अंदर भी नंबर सिस्टम का अप्रोच आएगा। प्लेस वैल्यू भी अगर सोचा जाए तो एक प्रकार से नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। संख्याओं के वर्गीकरण, संख्याओं के स्वरूप के बारे में ही डिस्कस किया जाता है वहां पर भी। तो डिविजिबिलिटी एक प्रकार से नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो हम नंबर सिस्टम के स्वरूप को भी समझाएंगे, तो वहां पर डिविजिबिलिटी से लेकर के इकाई के अंकों की बात करें, शेषफल की बात करें, गुणनखंडों की बात करें, उन सभी को हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक शब्द यहां पर लिखा भी है, गुणनखंड। अब गुणनखंड अगर सोचे तो दो प्रकार से बनकर आएगा। एक तो अंकों के आधार पर होगा, अंकों के समीकरण के आधार पर होगा, अंकों के एक्सप्रेशन के बिहाव पर होगा। दूसरा कुछ अलजेब्रा के बिहाव पर भी होगा, मतलब बीजगणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं, उनके अंतर्गत भी हम गुणनखंड पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो गुणनखंड का स्वरूप भी आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। एक टॉपिक यूनिटरी मेथड, बहुत बार लोग कहते हैं सर यूनिटरी मेथड पढ़े। यूनिटरी मेथड कोई नया चीज है ही नहीं है। यूनिटरी मतलब एक एक नियम। जैसे कभी कोई सामान हम मार्केट में खरीदने गए तो दुकानदार कभी हमको, जैसे अगर हम उसे दाम रेट लेते हैं तो हमसे कभी एक वस्तु का दाम बताता है, कभी ये नहीं कहता कि जो है चार वस्तु का दाम इतना है। अब मान लीजिए अगर मुझे पेन खरीदनी है और हम पेन खरीदने मार्केट में पहुंचे तो दुकानदार ने कहा सर पांच पेन हम 100 रुपए में देते हैं, मुझे दो ही पेन खरीदनी है। अगर मुझे एक पेन का दाम बताया होता तो ज्यादा मेरे लिए आसान होता। अर्थात एक एक नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम इकाई का मान, एक का मान पता करते हैं। अब एक एक नियम एक प्रकार की तुलना है, और मैं आपको सियोरिटी के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, हर चैप्टर को हम तुलना के आधार पर ही लेके चलेंगे। मैं आपको गारंटी ये भी दे रहा हूं कि हम आधे से ज्यादा सिलेबस आपको बिना किसी नए नियम के थ्रू सॉल्व कराऊंगा। मैं ज्यादातर अप्रोच आपको जो है केवल एक ही सिस्टम से, एक ही माध्यम के, एक ही मीडियम के थ्रू मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, मतलब एक ही नियम पर आपकी अधिकतर गणित को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहां पर तुलना बहुत बड़ी चीज है। तुलना में तो मैं पूरी मैथमेटिक्स आधा कवर करा दूंगा, तो एक प्रकार से यूनिटरी मेथड अलग से पढ़ने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अप्रोच ही नहीं है। इसलिए यूनिटरी मेथड कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, जो कि हम अलग से नहीं उसी के साथ यहां पर लेकर चलेंगे और आपको सिखाएंगे। अब देखिए अधिकतर परीक्षाओं में एडवांस मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के साथ लगा रहता है, जहां पर एडवांस के अंतर्गत बीजगणित रहता है, ज्योमेट्री रहती है, मेंसुरेशन रहता है। यहां पर कुछ अलग प्रकार से कहा है कि एलिमेंट्री अलजेब्रा, यहां पर मतलब सामान्य बीजगणित की बात किया है। अब सामान्य बीजगणित के अंतर्गत जैसे मैंने वहां पर एक गुणनखंड शब्द लिखा था, तो मैंने उस समय भी कहा कि वहां पर बेसिक अलजेब्रा आएगा। जब आप सरलीकरण पढ़ेंगे आंकिक क्षमता में, तो वहां भी कुछ ना कुछ गुणनखंड, कुछ ना कुछ अलजेब्रा के अप्रोच आएंगे, मतलब बीजगणितीय संक्रियाएं प्रयोग में लाई जाएंगी, यहां भी लाई जाएंगी। यहां आप सबसे पहले पूरे अलजेब्रा, अर्थात जो हमारे कह सकते हैं कि जो बीजगणितीय स्वरूप है, उसको समझेंगे। उसके अंतर्गत हम समीकरण के सही सिद्धांत को आपको समझाएंगे कि समीकरण बनता क्यों है, किस लिए बनता है। समीकरण अगर बना तो उसके कितने पार्ट अलग अलग, कितने अलग अलग स्वरूप होते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमें पॉलीगन अर्थात बहुभुज, मुख्य रूप से हमें पॉलिनामियल अर्थात बहुपद, उसके बाद उसमें दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण,
और द्विघात समीकरण, इनसे संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आप ध्यान रखिएगा, हम द्विघात समीकरण को फोकस करेंगे ज्यादातर, और दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण को, दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण को हम फोकस करेंगे। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, तो इसको पूरी तरह से कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखना है, इसके सिद्धांतों को, इसके प्रिंसिपल को हमें समझना है। मतलब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वहां से संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसके प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए इसके पूरे लॉजिक को आपको सिखाया जाएगा, जो कि एलिमेंट्री अलजेब्रा का पार्ट है। अब आप एक शब्द नया देखिए, कहा एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने जैसे कहा था ना, एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत मेंसुरेशन शब्द लिखा रहता है, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। मतलब जब किसी फिगर का कैलकुलेशन हम उसके क्षेत्र के आधार पर, सरफेस के आधार पर, उसकी बाउंड्री के आधार पर, उसके एटमॉस्फियर एनवायरमेंट के आधार पर करते हैं, तो वह क्षेत्रमिति का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जमीन है, यहां पर प्लॉट, एक फर्श अगर सपोज करिए, अब इस जमीन के ऊपर दीवारें बना दी गई, पहले तो फर्श ही थी, तो फर्श थी तो उसकी सबसे पहले बाउंड्री डेवलप करी गई, बाउंड्री ने उसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप बताया। इसमें एक शब्द मैं नया भी जोड़ दे रहा हूं, परिमाप। और जब यहां पर इस सरफेस को उस बाउंड्री से कवर कर दिया, तो इस सरफेस की पूरी वैल्यू, जिसपे हम टाइल्स लगवा सकते हैं, जिसपे हम ईंट बिछवा सकते हैं, ये सब पूरा सरफेस क्षेत्रफल को कवर करता है। मतलब जो सरफेस है वो क्षेत्रफल को कवर करता है। अब जब इन्वायरमेंट की, स्पेस की बात करें, जिसमें हवा पूरी तरह से भरा हुआ है, जैसे किसी एक वस्तु की बात मैं कर रहा हूं या कमरे के अंदर की बात कर रहा हूं, तो उसको हम वॉल्यूम अर्थात उसकी क्षमता या उसको आयतन कहते हैं। ये पूरा का पूरा मेंसुरेशन का पार्ट है। अगर देखा गया तो इसमें दो प्रकार के फिगर हम मुख्यतः पढ़ते हैं, एक टू डायमेंशनल, दूसरा थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल अर्थात जिसके पास केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि आप फर्श देख रहे हैं, आप हम बोर्ड पे कुछ लिख दे रहे हैं, तो बोर्ड का जो सरफेस है वो भी फ्लैट है, वो भी आपका जो है एक तरह से देखा जाए तो टू डायमेंशनल है। यहां पर हम किसी आकृति को हम प्लाट कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, तो ये हमारे पास जो सरफेस है वो हमारा टू डायमेंशनल है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के जितने स्वरूप हो सकते हैं, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जितने स्वरूप हो सकते हैं, पंचभुज है, खडभुज है, किसी भी प्रकार का बहुभुज है अर्थात बंदाकृति है, तो उन सभी बंदाकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल हम टू डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत करेंगे। वृत्त भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि रैखिक लीनियर लाइन से नहीं बना होता है, कर्व लाइन अर्थात वक्र रेखाओं से बना होता है। बाद में हम कहेंगे कि जब कभी कोई वस्तु ले ले हम लोग, वस्तु मतलब अब उसको हमें अब कोई सामान ले ले, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए मोबाइल है, हम कोई किताब ले ले, तो ये सब चीजें जो हमारे पास है वो थ्री डायमेंशनल है, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी थिकनेस अर्थात उसकी मोटाई भी इन्वॉल्व कर दी जाती है, तो उसके पास अपनी एक क्षमता, एक पावर हो जाती है, उसके पास मटेरियल लगा होता है, धातु लगी होती है, तो वह पूरा एटमॉस्फेयर जो जनरेट होता है वह वस्तु का आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम हम इसमें कवर करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो मतलब ये पूरा अगर देखा गया तो मेंसुरेशन का पार्ट है, क्षेत्रमिति का पार्ट है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो कि सही सही देखा जाए तो एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमको डायरेक्ट एरिया एंड वॉल्यूम लिखकर दिखाया गया, तो हम यहां पर छोड़ेंगे कुछ नहीं। थ्री डायमेंशनल के अंतर्गत चाहे वो आपका घन हो, घनाभ हो, सिलेंडर अर्थात बेलन, शंकु अर्थात कोन, आपका स्पीयर अर्थात गोला, इनके जितने भी चाहे वो खोखले हो, चाहे वो आपके सॉलिड हो, उन हर प्रकार के फिगर को हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स के इस वॉल्यूम एंड एरिया के पार्ट के अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होगी। आगे मैं बढ़ता हूं पाठ्यक्रम के अगले हिस्से पर आता हूं। देखिए फिर से अर्थमेटिक का ही एक पार्ट, अनुपात और समानुपात। मैं जब आपको अर्थमेटिक पढ़ाता हूं तो परसेंटेज से कम वैल्यू इसकी नहीं करता हूं। परसेंटेज का अर्थ भी तुलना करना होता है। मैंने कहा किसी भी मान को 100 पे तुलना पे, 100 की तुलना पर लाया गया तो परसेंटेज कहलाया, वहीं से भिन्न जनरेट हुआ और उसी तुलना अर्थात उसी भिन्न का जो सरलतम रूप होता है वह अनुपात कहलाता है। हालांकि आपके सिलेबस में केवल अनुपात दिया है, समानुपात नहीं दिया है, तो समानुपात कुछ नया होता भी नहीं है। समानुपात अनुपात की ही एक प्रॉपर्टी होती है। जब दो अनुपात समान रूप से लिखे जाते हैं, समान रूप में रखे जाते हैं, तो वही समानुपात हो जाते हैं। इसलिए जब अनुपात पढ़ेंगे तो समानुपात तो सर्टेन पढ़ना है। अनुपात की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे अलग अलग टर्म है जिसमें मिश्रण खासकर प्रयोग में लाया जाता है, सिक्कों के प्रश्न लाए जाते हैं, आय व्यय के प्रश्न लाए जाते हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं जो कि बेसिक कैलकुलेशन, जो कंपोजिशन या तमाम तरह के अलग अलग अप्रोच है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से आपकी परीक्षा के लिए जैसे हम इसमें कवर कराएंगे एज रिलेशन, जिसको हम आयु संबंध कहेंगे, आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी, आयु संबंध और पार्टनरशिप, ये दो पार्ट आपको जो है
ध्यान से पढ़ना होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया है, लेकिन है अनुपात और समानुपात का ही पार्ट, इसलिए हम इसको हम यहां से एडिशनल आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मुझे पता है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहां पर इसको लिखा जा रहा है। मतलब कुछ भी जो पूछा जा सकता है वो छोड़ेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, वो कहीं से आपको जो ऐसा नहीं रहेगा कि इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए आप एकदम से निश्चिंत हो जाएंगे। कुछ भी हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी हम सोचेंगे, तो हम कहीं ना कहीं से चीजों को रिलेट कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि चीज परीक्षा में आएगी, और हम अगर आने की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो हम उसको कवर जरूर कराएंगे, इस बात को आप मानकर चलिएगा। आगे मैं बताता हूं आपको। अब जैसे लिखा एलिमेंट्री, फिर से ज्योमेट्री, अब अर्थात देखिए सामान्य बीजगणित अगर सोचा जाए तो ज्योमेट्री फिर से एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। मैं मेंसुरेशन से पहले ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन, क्योंकि फिगर का मेजरमेंट मतलब एरिया वालों और पेरीमीटर फाइंड करने से पहले उसी फिगर, जिस फिगर अर्थात जिस ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री अर्थात होता क्या है, जिसको हम कहते हैं जियो प्लस मेट्रियान, अर्थात अर्थ का मेजरमेंट, मतलब अर्थ अर्थ पर जितने भी फिगर हो सकते हैं उन सभी का मेजरमेंट हम ज्योमेट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इसके पहले फिगर को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। फिगर को बनाने के लिए उसके मुख्य बेसिक इकाइयां, जैसे कि सबसे पहले बिंदु, बिंदु से बिंदु को मिलाया तो रेखा, बिंदु से बिंदु को मिलाया तो रेखा, रेखा को रेखा से इंक्लाइंड किया तो कोण, मतलब तीन मुख्य चीजें, बिंदु जिसको हम पॉइंट कहेंगे, लाइन जिसको हम रेखा कहेंगे, फिर एंगल जिसको हम कोण कहेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक आकृति अर्थात एक फिगर का निर्माण होता है। वो फिगर आपका त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, खडभुज होगा, कोई भी पॉलीगन, कोई भी बंद आकृति, कोई भी बहुभुज होगा, वृत्त होगा, वृत्त का किसी भी फिगर के साथ कॉम्बिनेशन होगा, वो सब कुछ हम ज्योमेट्री अर्थात हम ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ज्यामिति एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा को परीक्षा में आपसे जरूर रिलेट करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और मैं इतना चीज आपको बता चुका हूं, यहीं से आपके इस पाठ्यक्रम की एंडिंग होती है, अंत होता है पाठ्यक्रम आपका। जब मैंने बताया जो और भी पॉसिबल है मैं उसको भी कवर कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपके देखे जाएंगे, जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सब चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपसे हमारी क्या डिमांड रहेगी और मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। ये मैं जिस दिन आपकी पहली क्लास में आऊंगा उस दिन मैं आपको समझाऊंगा। अब हम आपको कुछ यहां पर इसके मुख्य, जैसे हमने कहा कि आज हम, क्योंकि इतना ही नहीं कि आपको केवल यही बता के हट जाए, कुछ चीजें हम आपको जरूर बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक होगा। जैसे मैंने कहा आंकिक क्षमता, जो हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ी, उस न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर। स्क्वायर अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। आपने देखा वर्ग का महत्वपूर्ण अप्रोच होता है। जैसे अगर कोई संख्या हम x ले लें, हम कह दें x का वर्ग अर्थात x के ऊपर लगी पावर 2 अर्थात x का x से हुआ गुणा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम कह दें कि हम इस जो हमारे पास ये वर्ग होकर संख्या आई, इसका अगर हम मूल पता करें, मतलब वो किसका वर्ग थी, तो उसको कहते हैं वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों चीजों को यहीं पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं आपसे कि अगर हम कोई मान x ले, कोई संख्या x ले, उसका वर्ग अर्थात स्क्वायर लिखें, तो स्क्वायर का मतलब वह मान अपने आप में ही उतनी बार, एक ही बार गुणा होगी, एक बार और गुणा होगी। वो जो मान हमारे पास वर्ग होकर आता है उसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम मूल अर्थात वह वैल्यू पता करना चाहे जहां से वर्ग होकर आई है, तो उसको हम वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट कहते हैं। हालांकि मैं आज के इस सेशन में आपको वर्ग के बारे में समझाऊंगा कि वर्ग क्या है, कैसे है। जैसे आपको मैंने कहा कि 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 25। अब मैं जब अपनी क्लास में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि कुछ वर्ग आपको याद होने चाहिए, कुछ वर्ग आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे क्या होने चाहिए, कम से कम शुरू के 50 तो होने ही चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं किसी को। फिर भी कुछ इतना हो कि जैसे कि आप इफर्ट कर सके। शुरू की अगर वर्ग की बात अगर हम लोग करें, मैंने कहा 0 का वर्ग, आप कहोगे सर 0, 1 का वर्ग आप कहोगे 1, 2 का वर्ग आप कहोगे 4, 3 का वर्ग कहोगे 9, 4 का वर्ग अगर हम कहें तो आप कहेंगे 16, 5 का अगर मैंने कहा तो आप कहेंगे 25, 6 का अगर मैंने कहा तो कहेंगे 36, 7 का मैंने बोला तो 49, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 8 का वर्ग तो आप कहेंगे 64, 9 का वर्ग अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे 81, 10 का वर्ग मैं कहूं तो 100 हुआ, 11 की बात मैं करूं तो 121 हुआ, 12 की बात मैं करूं तो 144 हुआ, 13 की बात करूं तो 169 हुआ। अब ऐसे अगर हम बढ़ते चले गए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, धीरे धीरे संख्या क्लास में कम होने लगती है, आवाज कम होने लगती है।
अगर हम शुरू से एक यहाँ पर एक असेंबली की तरह रीडिंग करवाएं आप लोगों से क्लास में, तो शुरू में तो बहुत तेजी के साथ सब ग्रुप में बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मान इनके ऊपर होना शुरू होता है वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, आवाज कम होने शुरू हो जाती है, मतलब नहीं याद होता लोगों को। तो नहीं याद होता है तो इसका मतलब कम से कम हमें 10 तक 9 तक तो याद ही होना चाहिए। ऊपर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा 50 तक याद कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। लेकिन अगर नहीं याद है तो हम उसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रोसेस बताता हूं। आपने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा है a+b, क्योंकि हम 2 डिजिट की संख्याओं को पहले कंसीडर करेंगे। आपने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, जिसको जनरली हम लोग कहते हैं a² + 2ab + b² आपने देखा होगा इसको, आप लोग क्या कहते हैं a² + 2ab + b² थोड़ा सा इसको अगर हम प्लस हटाकर एक ऐसे जनरल सिंबल के माध्यम से लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि a अगर हम ऐसे बीच में ऐसे लगा दें होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा a² + 2ab + b², मतलब मैं इस पैटर्न को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए हम किसी भी संख्या जो भी हमारे पास दिया गया है जिसका वर्ग हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं उसका वर्ग इस फार्मूले के माध्यम से करना चाहूं, जैसे आपने देखा 13 का वर्ग आप बता रहे कि 169 होता है, मैं लिख दूं 13 को 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दूं, ऐसे होल स्क्वायर कर दूं। अब यहां पर 13 के इस पार्ट को अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं अगर बी कह दूं, तो रूल के हिसाब से a² अर्थात 1 का वर्ग 2 × 1 × 3 कर दूं और 3 का वर्ग 9 कर दूं, मतलब 1 हुआ 6 हुआ और 9 हुआ, मतलब वैल्यू 169 हुई, जो कि वहां पे आपको दिख रहा है, जो हमने वहां पर फार्मूला बनाया उसी फार्मूले के प्रयोग से यह वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब जैसे कुछ अलग अलग डिजिट्स हम उठाएं, मैंने आपसे कहा सपोज करिए आपको करना है 23 का वर्ग, तो आप कहेंगे सर 23 को भी इसी तरह से हम 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, इसको हम कहेंगे ए, पहले इसको हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे हम बी, फिर लिखा जाएगा 2 का वर्ग 2 × 2 × 3, बाद में इसको सोचना लिखना सब खत्म कर दिया जाता है, ओरल बताया जाता है, फिर 3 का वर्ग। अब सोचिए यह 4 हुआ, ये 2 × 2 = 4 दिया 12 हुआ या 9 हुआ, लिखने का प्रोसेस देखिए, अंतिम से लिखना शुरू करिए, 9 लिखिए, 2 लिखिए और 1 को इसका कैरी बनाकर जोड़ दीजिए, 4 में 1 5 जुड़ा, 1 जुड़कर 5 हुआ, तो वैल्यू 529 हो गई। तो 23 का वर्ग कितना हो गया 529। मैंने आपसे कहा आप करिए 32 का वर्ग, अब देखिए आप 32 का वर्ग भी करने गए तो सेम प्रोसेस है, आप यहां बीच में ऐसे ऑब्लिक बना दें, रूल के हिसाब से 3 का वर्ग 9 होता है, 2 × 3 × 2, 2 × 2 = 4 दिया, इसमें भी 12 होगा, 2 × 2 = 4 होगा। आप इस 4 को लिखिए, इस 2 को लिखिए और इसको एक कैरी बना के इसमें जोड़ दीजिए, 1024 हो जाएगा इसका वर्ग, यहां पर 1024 बनकर आएगा। ऐसे मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास 52 है और मुझे इस 52 का वर्ग करना है, 52 का वर्ग जब हम करने गए, ध्यान दीजिए ऐसे बीच में फिर ब्रेक किया, 5 × 5 = 25 हुआ, 2 × 2 = 4 × 5 = 20 हुआ, 2 × 2 = 4 हुआ, फिर मैं लिखूंगा 4 यहां से 0, 5 को 2 में जोड़ दिया, मतलब 25 में 2 जोड़कर 2704 बना दिया। इसी प्रकार से आप जो भी संख्या यहां पर लेते जाएंगे जो 2 डिजिट की है, इस कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करेंगी, इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगी, आप लिखते चले जाएं, आपको इस तरह के वर्ग आपको दिखते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा सपोज करिए, जैसे मैंने आपसे कहा 73 है, ध्यान दीजिएगा इसका होल स्क्वायर करना था, अब आपने कहा 7 × 7 = 49, 2 × 3 = 6 = 42 लिख दिया, 3 × 3 = 9 लिख दिया, इसको 9 लिखें, इसको 2 लिखें, इसको इसमें जोड़ दें, यह 53 हो गया, तो आपका 53 × 29 हो गया। मतलब इस तरह से a+b के होल स्क्वायर का यूज हम लोग कुछ सामान्य संख्याओं तक तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक सिचुएशन मेरे सामने आया, मुझसे कहा गया 75 का वर्ग करिए, तो 75 के लिए आपने सोचा हम इस वर्ग प्रोसेस को अप्लाई करें, 7 × 7 = 49 लिखें, 2 × 5 = 10 = 70 लिखें, 5 × 5 = 25 लिखें, तो यहां पर 5 लिखा, 2 इसमें जोड़ दिया तो 72, मतलब 2 लिखा, फिर 7 को इसमें जोड़ दिया तो 49 × 7 = 56 हुआ, मतलब 5625 हुआ। मैं ही पर एक प्रोसेस एक तरीका और बता दूं कि जब किसी संख्या के अंत में मान लीजिए 5 आए, तो आप लोग एक नोट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जब किसी संख्या के अंत में 5 आए, जब किसी संख्या के अंत में 5 आए, जरूरी नहीं कि इस फार्मूले को हम हमेशा प्रयोग में लाएं,
कुछ कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जो कि और आसान कर देंगी प्रोसेस को और आसान कर देंगी आपके तरीकों को। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा जब किसी संख्या के अंत में अगर पांच आए तो क्या स्थिति होगी। जैसे मान लीजिए एक के बाद पांच आए, दो के बाद पांच आए, मैं प्रोसेस तरीका बताता हूं, तीन के बाद पांच आए 35 हुआ, इसी प्रकार से 45 का वर्ग करने को कभी मिले, 55 का वर्ग कभी करने को मिले, 65 का वर्ग करने को मिले, 75 75 का वर्ग करने को मिले, 85 85 का वर्ग करने को मिले, 95 का वर्ग करने को मिले, 105 का वर्ग करने को मिले। इस तरह से अगर हम लोग सोचें तो कभी भी किसी संख्या के अंत में अगर पांच आता है तो उसका प्रोसेस समझिए वर्ग करने का। हमेशा मैं आपको बता दूं, जब भी किसी संख्या के अंत में पांच आएगा उसके अंत में 25 जरूर आएगा, मतलब दो डिजिट उसके फिक्स हो गए। अब जैसे 15 है तो इसके अंत में दो डिजिट फिक्स हो गए, 25 आ गया। अब 25 इस पांच की वजह से आया, इसके बाद क्या बच रहा है, एक। एक न्यूमेरिकली अगर नंबर की बात करें तो एक के बाद संख्या में क्या आता है, समूह में दो आता है। एक गुणे कर दे दो, मतलब वो अपने सक्सीजर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जिसका वर्ग 225 होगा। जैसे पांच की वजह से 25 हुआ और इस एक का सक्सीजर क्या है, दो है, तो एक गुणे दो कितना हुआ, दो, तो 225 हुआ। ऐसे ही पांच की वजह से 25 होगा और दो का सक्सीजर तीन होता है तो दो गुणे तीन कर दे 6 हो गया। पांच की वजह से 25 होगा, तीन का सक्सीजर चार होता है, तीन चौके 12 कर दें। पांच का वर्ग 25 होगा, चार के बाद क्या आता है, पांच आता है, चार पंचे 20 कर दें। पांच का वर्ग पांच की वजह से 25 होगा, पांच के बाद 6 आता है, पांच अंक 30 कर दें। पांच पचे 25, मतलब यह 25 हुआ पांच के वजह से, और 6 के बाद 6 सते 42, 6 के बाद 7 आता है तो 4225 कर दें। पांच की वजह से 25 हुआ, सात के बाद क्या आता है, आठ आता है, 7 8 56। अभी देखिए यही चीज मैंने फार्मूले से किया था तो भी 56 25 आया था, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ऐसे इसकी अगर हम बात करें तो यहां भी 25 होगा, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72 कर दीजिए। ऐसे यहां पर इसकी बात करें तो यह भी 25 देगा और 9 के बाद 10 आता है, 9 9 90 कर दीजिए। ऐसे ही इसकी बात करें, अब देखिए तीन डिजिट की संख्या, हालांकि मैंने अभी तक जो नियम बताया दो डिजिट की संख्याओं तक के लिए बताया, तब भी समझिए यह 25 कर दें, 10 के बाद 11 आता है, 11 धाम में 110 कर दें, तो मतलब 110 और 25 हो गया। तो कहने का अर्थ है जिस किसी संख्या के अंत में अगर पांच आए तो उसकी वजह से मानकर चलिएगा उसका जो अंतिम दो अंक रहेगा वो 25 रहेगा, बाकी के पहले के अंक पता करने के लिए जो पांच के अलावा संख्या बचती है उसको उसके सक्सीजर अर्थात उसके क्रम में आने वाली नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दें तो यह पूरा कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए हम जहां पर थे वहीं पर आते हैं। मैंने एक रूल जो बताया था उसके तहत मैं कुछ वर्ग आपको करवा रहा था। मैंने कहा था अगर दो डिजिट की संख्याएं हैं तो इसको आप कुछ इस तरह से सोचिए, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b स्क्वायर, मतलब इस प्रोसेस को आप अप्लाई अभी तक कर रहे थे। अब इस प्रोसेस को अप्लाई करते करते जब हम थोड़ा और दूर पहुंचे, 100 के आसपास पहुंचे, तो देखिए क्या हुआ। मान लीजिए हम 92 पर आए तो आपने कहा सर हम कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, मतलब थोड़ी सी चीजें लॉन्ग हो जाएंगी। करिए देखिए, 9 का वर्ग 81 हुआ, 2 2 9 4 8 4 9 36 हुआ, 2 2 9 4 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 9 9 81 होता है, 9 2 9 18, 18 2 9 36 हुआ, 2 2 9 4, इसको 4 लिखिए, इसको 6 लिखिए और इसको इसमें जोड़ दें, 81 3 84 हुआ, तो 84 64 हो गया वर्ग। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं कह दूं 98 है। अब 98 का अगर वर्ग करना है आप लोगों को तो आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग अगर करना है फिर सोचेंगे 9 गुणे 9 81 हुआ, 2 8 16, 16 9 144 हुआ, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और 8 8 64 होता है। अब यहां का 4 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 150 होगा, 0 लिखिए, कैरी 15 हुआ, 15 को जोड़ेंगे 81 में, 10 जोड़ा 91, 91 5 96 होता है, 9604 हुआ। अब ये जो चीज मेरे सामने आ रही है, जो अभी मेरे पास यहाँ पे आ रही है, जो 100 के बहुत ही नजदीक होने से आ रही है, इसको हम किसी दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे 75 या मैंने कहा जिसके अंत में 5 आ रहा था उसके लिए भी मैंने एक प्रोसेस बताया, उसी प्रकार से इन सब के लिए भी कुछ सर्टेन प्रोसेस होंगे जो कि आसानी से चीजों को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं एक कंडीशन कि जब संख्या या जो संख्या आपकी दी गई है 100 के नजदीक तथा 100 से कम हो, नजदीक होना मतलब टर्म्स एंड कंडीशन हो, ध्यान दीजिएगा इस चीज को,
मतलब जैसे कोई चीज की एक सिचुएशन आप अहमियत के देना कि सर एकदम से पीछे चले जाएं, 100 के नजदीक हो, मतलब 100 के आसपास हो लेकिन 100 से कम हो, जैसे 98 है, 96 है, 92 है, 82 है, 88 है, जो नजदीक हैं और सब जहां तक कि आपको कैलकुलेशन पे हैबिट हो आप उतने तक जा सकते हैं। जाने को तो ऐसे सोचिए कि आपको अगर 50 तक का वर्ग तैयार है तो आप 100 से 50 तक आ सकते हैं और 100 के ऊपर भी 50 तक जा सकते हैं। तो मतलब आप एक प्रकार से सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत होती है और अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करें जब संख्या 100 के नजदीक हो तथा 100 से कम हो तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, समझिएगा। जैसे मैंने कहा अभी एक नंबर मैंने लिखा था 98, तो 98 का वर्ग मैंने उस रूल से अप्लाई किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो थोड़ा सा टाइम लगा। अब इस टाइम को हम बचा सकते हैं, मैंने देखा कि जो 98 है वो 100 के नजदीक है तथा 100 से कम है। पहले तो सोचिए कितना कम है, आप कहेंगे सर दो कम है, दो कम है तो दो और कम कर दीजिए तो कितना हो गया 96, मेरी बात समझिए, जितना कम हो 100 से उतना ही और कम कर दें। 98 100 से दो कम था तो दो और कम कर दीजिए तो 96 हो गया। कितना कम था, दो कम था तो दो का वर्ग क्या होता है चार, और चार को लिखिए दो डिजिट में, दो डिजिट में लिखेंगे तो 04। अब सोचिए आंसर हो गया 9604, डायरेक्ट उत्तर आया। मैंने क्या बताया कि जितना कम हो उतना ही और कम करें, उसके बाद जितना कम था उसका वर्ग जो है दो डिजिट में लिखें, बस उत्तर हो गया। मैंने कहा 92 है, ध्यान दीजिएगा कितना कम है 100 से, 8, 8 और कम करें 84 हो गया, 8 और कम करें 84 हो गया, और 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, तो 64 डायरेक्ट लिख दें तो उत्तर आपका 8464 हो गया। अभी यही चीज हम लोगों ने किया था प्रीवियसली, आप देख सकते हैं, ये देखिए 8464 9604। तो मेरे ख्याल से आपको यह बातें समझ में आ रही होगी। मैंने कहा जितना कम है उतना ही और कम करें और उसके बाद आप क्या कर दें, उसके बाद आप जो है जितना कम था उतना ही और कम करें और जितना कम था उसके वर्ग को दो अंकों में लिखें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 96 है, अब आपको पता है 100 से कितना कम है, चार कम है, चार और कम कर दें, चार और जब आप कम करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे 92 पे पहुंच जाओगे, और चार का वर्ग क्या होता है 16 होता है, तो वर्ग हो गया इसका 9216। अच्छा 95 के लिए आपने बताया था उसको भी इससे लगा सकते हैं, हालांकि वो ज्यादा आसान है इसके लिए, जो अभी इससे पहले 5 के लिए मैंने बताया था। 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 और कम कर दीजिए 90 हो गया, 5 का वर्ग कर दें तो 25 हो गया, यह प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जैसे इसका हम 92 पे पहुंचे थे, मान लीजिए मैं 91 पे आ जाऊं, 91 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, 9 कम है तो 9 और कम कर दें, 18 कम होगा तो 82 हो जाएगा, और 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, तो उत्तर 82 81 हो जाएगा। आप इसका वर्ग करके चेक कर सकते हैं 90 82 81 हो जाएगा। इसी तरह से अब थोड़ा सा जैसे मैं और पीछे जाऊं, और पीछे मतलब जैसे मान लीजिए मैं पहुंच गया 88 के पास, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं पहुंच गया 88 के पास, अब आप मुझे बताएं 88 भी 100 से कम है, कितना 12 और कम कर दें, 12 और कम कर दें तो इसके हिसाब से 76 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे 100 में से एक बार पहले 12 कम था, फिर 12 और कम हुआ, मतलब 100 से 24 निकला तो 76 हुआ, क्योंकि 12 कम था तो 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, जो कि तीन डिजिट है। मैंने कहा संख्याओं को दो डिजिट में लिखना है, तो तीन डिजिट जब आया है तो दो डिजिट बनाने के लिए दो डिजिट तो आप ले लीजिए, जो अंतिम बचे उसको ले जाके यहां कैरी बना दें, तो यह हो जाएगा 7344, इसका वर्ग हो जाएगा 7344। ये मेरी बात आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा चलिए सपोज करिए 82 है, अब 82 है इसका वर्ग सोचिए, बताइए 100 से कितना कम है 18 कम है, 18 और कम कर दे, या कोई कह दे 100 से डायरेक्टली 36 कम कर दे, 100 से डायरेक्टली क्या कर दे 36 कम कर दे। अब 36 कम करने का मतलब दिमाग में देखिए, आपके पास ये सब कैलकुलेशन, हम लोग हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन जो पर्सन बहुत ही हैबिचुअल होता है इन सब चीजों में, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाइए 36 रुपए का सामान खरीदिए 100 के नोट दीजिए, आप सोचते रह जाएंगे वो आपको रिटर्न कर देगा। कैसे रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो हैबिट में है। तो कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रांग तब होती जब हम हैबिट में होते हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों को अपनी हैबिट में लाना होगा। तो बताइए हमने कहा जैसे 18 कम है, 18 और कम हुआ तो मतलब 36 कम हुआ, ऐसे सोचिए तो 30 निकल गया तो 70, और 70 में से 6 और निकल गया तो 64, एक प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 64 आ जाएगा। और 18 का वर्ग होता क्या है, 18 का वर्ग अगर आपने सोचा होगा तो 324 होता है।
अब 324 में 24 आपका है, 3 इनका है, तो यह 6724 हो जाएगा, 6724 हो जाएगा। तो मतलब 82 का वर्ग आपके सामने कितना हो गया, 6724। इस तरह से जो संख्याएं 100 से कम है और 100 के नजदीक हैं, उनको हम इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। मैं यहीं पर एक प्रोसेस और आपको बता देता हूं कि अगर संख्याएं 100 से कम हैं और 100 के नजदीक हैं, इसी तरह से संख्याएं 1000 से कम हो, 1000 के नजदीक हो, 10000 से कम हो, 10000 से नजदीक हो, तो उनको भी हम इन्हीं प्रोसेस पर, इन्हीं प्रोसीजर पर हैंडल कर सकते हैं। मैंने कहा अगर हम बेस को 100 ले लें, 1000 ले लें, 10000 ले लें, 1 लाख ले लें, मतलब ये हम 2-3 लिख दे रहे हैं, बाकी आप अपने मन से भी सोच सकते हैं। 100 लिया मैंने, 1000 लिया, 10000 लिया, और इनसे कम की बात हम लोगों ने करी है, मतलब इनसे कम हो तथा नजदीक हो, तथा नजदीक हो, ध्यान दीजिएगा, कम हो तथा नजदीक हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां पर मैंने कहा कि संख्या 100 का आधार लेके चले, 1000 का आधार लेके चले और 10000 का आधार लेके चले, आप 1 लाख भी जा सकते हैं, आप चाहे तो 1 लाख भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख भी देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बातें। मैंने कहा हम 100 का आधार लेते हैं, मैंने कहा हम 1000 का आधार लेते हैं, 10000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, बाकी आप 10 लाख भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सबके आधार के हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। मैंने कहा संख्या 100 से कम हो, 100 के नजदीक हो, जैसे मैंने कहा 99 है। अब 99 का वर्ग अगर मैं आपको कराऊं तो आपको पता है 100 से कितना कम है, 1 कम है, एक और कम कर दीजिए, 98 हो जाएगा, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसको आप 01 लिख सकते हैं, ठीक, तो 9801 हो गया। मान लीजिए मैं कहता 999, 999 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है 1000 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 और कम कर दीजिए, 998 हो गया, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो जैसे इसमें 2 अंकों में लिखा था, इसमें आपको 3 अंकों में लिखना होगा, 001 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 9999 का वर्ग हमको करना था, तो आप इसको भी देख रहे हैं 10000 से केवल 1 कम है, 1 कम है, तो 1 और कम करिए, 9998 हुआ। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा इस बात को, यहां पे ध्यान में रखना होगा इस बात को कि 1 का वर्ग, क्योंकि 1 ही कम था, 1 कम था तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, बस जैसे इसमें 2 अंकों पे लिखा था, इसमें 3 अंकों पे लिखा था, इसमें 4 अंकों पे लिखना होगा, मतलब 3 शून्य बढ़ाने होंगे, 0001 हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो गया। ऐसे इधर चले गए, मान लीजिए मैंने कहा 99999 का वर्ग करना है, आप कहेंगे सर इसका मतलब यह 1 लाख से 1 कम है, 1 और कम कर दीजिए, 99998 हो जाएगा, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो यहां पर होगा 5 अंक, अर्थात शून्य बढ़ेंगे 4, ये देखिए इसका वर्ग हो गया। इस तरह के नंबर आप फेस कर सकते हैं परीक्षाओं में। अब जैसे एक अंक और ले लेते हैं तो बाकी सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। मैंने कहा 97 का वर्ग हो, सोचिए 100 से कितना कम है, 3 कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 और कम करें, 3 और कम करने का मतलब ये हो जाएगा 94, 3 का वर्ग होता कितना है, 9 होता है, तो 09 लिख दीजिए, 9409 हो गया। चलिए अब यही चीज अगर यहां लेके आए, हमने कहा 997, 997 का वर्ग करना है, 1000 से 3 कम है, 3 और कम करिए, 996 हो जाएगा, 994 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 994, 6 कम होगा ना, तो 994, सब चीजें क्लियर करके चलिए। 3 का वर्ग 9 होता है, जैसे इसमें 2 अंक पे लिखा था, इसमें 3 अंक पे लिखना है, 2 शून्य बढ़ेंगे, ये 9 हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे दिया होता 9997 का वर्ग करना होता, अब आप समझ गए होंगे यह 10000 से 3 कम है, 10000 से 3 और कम कर दीजिए, 9994 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, यहां पर 3 डिजिट पे, वहां 2 डिजिट पे, यहां 4 डिजिट पे, अर्थात 3 शून्य बढ़ेंगे, 9 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे मैंने कहा 99999 हो, मतलब 1 लाख से 997 हो, 1 लाख से 3 कम हो, 1 लाख से 3 कम है, तो 3 और कम करेंगे, 99994 हो जाएगा, 994 हो जाएगा, मतलब 6 कम हो जाएगा कुल मिला के, और 3 का वर्ग 9 होता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यहां पर होगा 5 डिजिट, मतलब शून्य बढ़ेंगे 4, और यहां पर हो गया 9।
ते इसका वर्ग हो गया। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं और उत्तर अपने मन से दे सकते हैं। जैसे आप 92 ले लीजिए, 88 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, और इस हिसाब से हम लोग यहां पर जैसे 100 का कर रहे हैं उसी प्रकार से 1000 का होगा, 10000 का होगा, 1,00,000 का होगा। इस प्रोसेस को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की प्रक्रियाओं को आप फेस कर सकते हैं। आई होप ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी कैसे किया जा रहा है। ठीक, चलिए, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि संख्याएं 100 से 100 के नजदीक हैं और 100 से कम है, तो हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यही सेम पैटर्न तब लग जाएगा जब संख्याएं 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक हों। देखिए ध्यान से, जब 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक हों, 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक हों। देखिए ध्यान से, ये बहुत आसान हो जाता है, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 102 का वर्ग करना है। अब आपको पता है कि 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 और बढ़ा दीजिए, 104 हो गया। 100 से कितना ज्यादा था, 2 और बढ़ाया, 104। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, बस 2 डिजिट में लिखिए, 04 हो गया। फिर देखिए, मैंने कहा 108 है, 100 से 8 ज्यादा है, 8 और बढ़ाएं, 116 हो गया। 8 का वर्ग 64 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए, 64 हो गया। मैंने कहा 109 है, आप कहेंगे सर 9 ज्यादा है, 118 हो जाएगा, 9 और बढ़ाएंगे, और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 118 81 होगा। मैंने कहा 113 है, 113 है, 13 और बढ़ाएंगे, 126 होगा, 13 का वर्ग 169 होता है। 169 तीन डिजिट में है, ध्यान रखिएगा, तो 69 आपका पार्ट होगा, 1 इसका पार्ट होगा, तो 12769, यहां पर 12769 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे जो मन करे आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जितने का पता हो, एटलीस्ट 125 मान लीजिए है, या 124 में लिख देता हूं, जितने का पता है उतना, तो मतलब जितने का वर्ग आपको क्लियर है उतना आराम से आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 124 का वर्ग करना है, 124 का वर्ग करना है, 24 ज्यादा है, 148 लिख दीजिए। 24 का वर्ग 576 होता है, 76 आप रहेगा आपका, 5 इसको दे दीजिए, 153 और 76 ए इसका वर्ग हो जाएगा। इस तरह की संख्याएं हम फेस कर सकते हैं जो 100 के नजदीक हैं लेकिन 100 से ज्यादा है। अब वही आधार जो अभी मैंने वहां पर किया था, अगर वहीं पर मैं आधार 100 ले लूं, 1000 ले लूं, 10000 ले लूं, 1,00,000 ले लूं, इसके इससे ज्यादा कर दूं तथा नजदीक कर दूं, ज्यादा तथा नजदीक ले लूं, तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि हम यहां पर क्या अप्लाई करवाने जा रहे हैं। मैंने आधार यहां मान लीजिए 100 लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने आधार 100 लिया, मैं 1000 ले लूं, मैं 10000 ले लूं, मैं 1,00,000 ले लूं, तो इस तरह की डिजिट्स को, इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम देखिए कैसे फेस कर पाएंगे। मैंने कहा अगर 100 के आसपास की एक संख्या ले लें, सपोज करिए मैंने 101 लिया, इसका वर्ग सोचा, 100 से 1 ज्यादा है, 1 और बढ़ाएं, 102 होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 01 लिख दीजिए, आंसर हो गया। 1001 अगर मान लीजिए होता, इसका वर्ग अगर आपसे पूछा जाता, पहले तो 1 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 1 ज्यादा है, तो 1002 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो बस यहां पर जैसे 2 डिजिट था, यहां 3 डिजिट में लिख दीजिए। मान लीजिए आपको लिखा होता 10001, इसका वर्ग करना होता, तो आपको पता है कि 10001, 10000 से 1 ज्यादा है, 1 और बढ़ाएंगे तो 10002 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, जैसे इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, ऐसे इसमें 4 डिजिट, अर्थात 3 शून्य बढ़ेंगे, 1 लिखा जाएगा। मान लीजिए मुझे 1,00,000 की बात कराई हो, 1,00,000 के आधार के आसपास, मतलब 1,00,001 है, उसका वर्ग करना है, तो पहली चीज 1,00,001 1 से ज्यादा है, 1 ही, 1 और बढ़ा दें, 1,02,000 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहां 4 डिजिट पर 1 लिखना था, यहां पर 5 डिजिट पे लिखा जाएगा, तो 4 बार शून्य बढ़ेगा और 1 लिखा जाएगा। इसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता कि 107 है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 107 है, 107 का वर्ग करना है, आप सोचिए 7 ज्यादा है, 114 कर दें, 7 का वर्ग 49 है, 2 डिजिट पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। आगे देखिएगा, मैंने कहा 1007 है, इसका वर्ग करना है, 1014 कर दें और 7×49 कर दें, 3 डिजिट में लिखना है, तो 1 शून्य बढ़ेगा, 049 हो जाएगा। जैसे इसमें पूरा इन्वॉल्व हो गया तो इसमें 1 शून्य बढ़ जाएगा।
मैंने कहा 10,000, 10,000 सात है, इसका वर्ग करना है, तो 10,014 होगा, 10,014 होगा, और 7 × 7 = 49 होगा, 2 जीरो बढ़ेंगे और 49 होगा। भाई जब 3 डिजिट में लिखना है, 4 डिजिट में, तो 2 शून्य बढ़ाया जाएगा और 2 डिजिट तो 49 में ही इन्वॉल्व है। मान लीजिए 1,14,000 है, 1,07,000 है, 1,07,000 है, इसका वर्ग करना है, तो सबसे पहले 1,14,000 कर दीजिए, इसके बाद 7 × 7 = 49 होगा, तो यहां पर 3 जीरो बढ़ेगा और 2 डिजिट यहां पर 49 हो जाएगा। मतलब देखिए ऐसे आया कि 1,14,000, यहां पर 3 बार शून्य हुआ, 49, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ध्यान से, यहां 1 डिजिट, यहां 2 डिजिट, यहां 3 डिजिट, यहां 4 डिजिट पर जो अंतिम के पद लिखे जा रहे हैं, यहां पर 5 डिजिट पर। अब दो डिजिट तो उसके पास ही था, 3 डिजिट इन्वॉल्व करने के लिए 3 शून्य बढ़ा दिया गया। इस तरह से चीजें आसान करी जा सकती हैं, अगर आप थोड़ी सी इफर्ट, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत ही आसानी से चीजों को आप हैंडल कर सकेंगे। मैं सुपर टेट की क्लास को बाय लेक्चर, जैसे मैं यहां पर आपको अभी आपको बताया हूं, इन न्यूमेरिकल एबिलिटी के इन तमाम सारे अलग अलग पहलू को एक एक करके हम लोग यहां पर क्लास में हैंडल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, चीजों को बहुत ही आसान कर देंगे। तो आगे की डेमो के क्लासेस में हम संभवतः इसके वर्गमूल को या दशमलव की संख्याओं के वर्ग के प्रोसेस को, वर्गमूल के प्रोसेस को, इनको लेकर चलेंगे। तो आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त कर सकता हूं, कर रहा हूं। आपको संभवतः चीजें समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सब चीजों को अप्रिसिएट करेंगे और समझेंगे, और समझ करके इस पूरी कड़ी में आप अपने साथ अपने समर्पण को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।